नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी, क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और टारगेट क्या है हमारा? 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। डेली का जो है 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एलपीजी इन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इज स्टोर्ड इन, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी का भंडारण किया जाता है। देखिए, जो घरों में सिलेंडर यूज होता है उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी होती है। एलपीजी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो होती है सिलेंडर में किस फॉर्म में होती है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट या नॉन ऑफ दिस, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैस अवस्था। तो बात करते हैं इसकी एलपीजी की, तो ये होती है गैस में, जो सिलेंडर होता है उसमें होती है, सॉलिड स्टेट नहीं, गैस स्टेट में भी नहीं, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड, लिक्विड स्टेट। किस फॉर्म में होती है? लिक्विड स्टेट में। चलिए, हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बीआर अंबेडकर, गोपाल हरी देशमुख, ज्योतिराव फुले या केएम मुंशी? बताइए किसकी बात हो रही है? सत्य शोधक समाज की। तो बीआर अंबेडकर जी नहीं, गोपाल हरी देशमुख भी नहीं और केएम मुंशी भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? ज्योतिराव फुले, थर्ड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्ध रूप में गलनांक उच्चतम होता है? देखिए, टंगस्टन, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन। तो देखिए, कॉपर तो नहीं है, प्लेटिनम भी नहीं है, आयरन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? टंगस्टन। जो बल्ब होता है 100 वाट का जो बल्ब आता है उसमें भी ये टंगस्टन ही लगा होता है, ऐसे फिलामेंट जो होते हैं ये टंगस्टन का ही बना होता है, टंगस्टन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? 45 साल, 60 साल, 55 साल, 40 साल। करेक्ट आंसर बताइए इसका। देखिए, अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं हम, तो 45 साल नहीं है, 60 साल भी नहीं है और 55 साल भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? 40 इयर्स, डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर बताइए। कॉटन की बात, पल्सेस की बात हो रही है, दाल की, पल्सेस। देखिए, पल्सेस के बारे में अगर बात करें हम, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? हरियाणा नहीं है, बिहार भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। और यहाँ के सीएम की बात करें, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। और बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर। और उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए, करेक्ट ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ऑन विच डे इज अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन? पृथ्वी किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? 24 सितंबर, 30 नवंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च। बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है 24 सितंबर नहीं, 30 नवंबर भी नहीं, 21 मार्च भी नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा 3 जनवरी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड
मार्केट रिलेवेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ, युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस योजना का उद्देश्य है? संपदा, स्वामित्व, सक्षम या संकल्प? देखिए, बात करते हैं किसकी, मार्केट रिलेवेंट स्किल डेवलपिंग ट्रेनिंग, तो यह है संपदा नहीं है, स्वामित्व भी नहीं है और सक्षम भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? संकल्प, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, फोर्थ। चलिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु हैज राइट टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा परिषद के गठन का अधिकार किसके पास है? बताइए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा या प्राइम मिनिस्टर या संसद, बताइए किसके पास है? तो ये है हमारा, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है? पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 169, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन ए, पार्लियामेंट, संसद। द नॉइज लेवल ड्यूरिंग प्लेन टेक ऑफ इज अराउंड, प्लेन टेक ऑफ के दौरान शोर का स्तर लगभग होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 140 डेसिबल। देखिए, जो नॉइस को मेजर करते हैं डेसिबल में मेजर करते हैं, 140 डेसिबल, 250 डेसिबल, 300 डेसिबल, 450 डेसिबल। बताइए, जिस टाइम प्लेन जो होती है वो जिस टाइम टेक ऑफ करती है उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो ये होता है कितना? ये होता है 140 डेसिबल। कितना शोर होता है, नॉइस की बात हो रही है, कितनी आवाज आती है, तो 140 डेसिबल होता है, 140 डेसिबल, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ब्लैक सॉयल इज मेनली रिलेटेड टू विद क्रॉप, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है? कॉटन, कपास, सुगर केन, गन्ना, टी, चाय, कॉफी, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कॉटन, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, कॉटन। सुगर केन नहीं है, टी भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, कॉटन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके फोन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।